हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी तीज। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीज है, तीजा बोलते हैं किसी किसी के यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ फास्ट नहीं होता, कोई नहीं मनाता है। तो अभी मैं किचन में हूँ, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं बना रही हूँ लंच। दाल एक तरफ मैंने बनने रख दी है और एक तरफ बना रही हूँ आलू परमल की सब्जी। तो मैंने परमल जो है वो ऐसे फ्राई कर लिए हैं और अभी आलू मैं फ्राई कर रही हूँ, ये देखो। तो अभी आलू फ्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ये सब डाल के, और जितना भी ये सामान होता है, जितनी भी क्वांटिटी होती है, लहसुन है, मिर्ची है एंड ऑनियन है, टोमेटो है, मतलब सब मैंने कट करके अच्छे से रख लिया है। और यहाँ पे कुछ छिलके रखे हैं जो अभी मैं, ये छिलके होते हैं जैसे आलू के हैं, टोमेटो के हैं, परमल के हैं, तो मैं गाय को खिला देती हूँ। हाँ, है ना, मुझे आप लोगों से ये बात बहुत दिन से कहनी थी, सोच रही थी बोल दूँ बट भूल जाती हूँ। और जो प्याज और लहसुन के छिलके होते हैं वो मैं गाय को कभी नहीं खिलाती। बहुत से लोग होते हैं कि मतलब प्याज और लहसुन के छिलके गाय को खिला देते। ये बताओ भाई, ये इतना हार्ड होता है पत्ता, ये जरूरी होता है कि गाय को खिलाओ? हरी सब्जियों के पत्ते हों या आलू के हों या फल के हों, रोटी हो, चलो वो खिला दो, सड़ा गला खाना खिलाने से क्या फ़ायदा है गाय को, है ना? तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जब हम लोग प्याज का खाना वर्जित मानते हैं कि देवी देवताओं को प्याज का खाना नहीं दिया जाता है, तो गाय को एक देवी का दर्जा ही दिया गया है, ठीक है? तो प्याज का खाना प्याज का बनता है, तो गाय की रोटी निकलती है, तो उसमें प्याज की सब्जी नहीं रखी जाती है, रखी जाती है नहीं रखी जाती, तो फिर प्याज के छिलके फिर लहसुन के छिलके क्यों खिलाए जाते? तो मैं तो इनको डस्टबिन में ही डाल देती हूँ और जो वैसे छिलके होते हैं तो मैं गाय को खिला देती हूँ फटाफट से। तो ये हो गए हैं फ्राई, तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों से बात स्टार्ट कर देती हूँ। अभी बज रहा होगा 11:30, हाँ 11:30 ही बज रहा होगा। और आज मेरा जितना भी क्लीनिंग है ऊपर रूम का सारा हो गया था। आज सोच रही हूँ कि बालकनी का सेटअप थोड़ा बना दूँ अच्छा सा। बालकनी में थोड़ा सा कबाड़ टाइप का भरा है, वो पहले हटा देते हैं, तो वो हटाना है। और आज अभी एक वीडियो शूट जो किए थे कल, हम वो एडिट करना, कल रात में एडिट नहीं कर पाए थे, तो आज उसको एडिट भी करना, आप लोगों तक पहुँचाना भी है। और किस किस के यहाँ तीज होता है मुझे जरूर बताना। कई लोगों के यहाँ तो होता है, मेरे यहाँ जो रेंट पे रहती है प्रीति, उसके यहाँ होता है, उसकी मम्मी तीजा करती है। आसपास में मोहल्ले में काफी लोग हैं जो ये फास्ट करते हैं, है ना, काफी सारे लोग हैं ऐसे जो करते हैं, बट मेरे यहाँ नहीं होता है। बहुत टिपिकल होता है तीजा, इसमें ना बिल्कुल भी करवा चौथ पे तो चलो एक बार जितने बजे चांद निकलता है तब पानी यही जाता है, लेकिन इसमें तो 24 घंटे बिल्कुल पानी नहीं पिया जाता है, पता है ना आप लोग को? तो बहुत हार्ड होता है व्रत रहना। और आज देखो मैंने क्या पहना है, आप लोग नोटिस कर रहे होगे आज मैम ने क्या पहन के रखा है। फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने ये क्या पहना है। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने पहना क्या। ये क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है? यहाँ देखो सामने, वहां हाय करो सबसे, हेलो बोलो, हेलो हेलो तो बोलो, पहुँच चाहिए। अच्छा आपको पता है तो क्या चाहिए? अम्मू थोड़ी ना यहाँ पे, वो तो फ्रिज में रखा है अम्मू आपका, क्या ग्वावा ना, क्या ग्वावा बोलो। अच्छा टोमेटो चाहिए आपको, ऑनियन चाहिए आपको, ऑनी ऑनी ऐसे करेंगे, जाओ फिर है इसमें कदू खाओगे, कदू खा लो, आ करो कदू नानी मौसी मामा दागू कैसे हो, ऐसे पूछो कैसे हो, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया कदू, सब बढ़िया अच्छे हैं अपने मन में, चुन्नू मुन्नू चलो जाओ पापा चाहते हो, उतरो तो सही, उतरोगी नहीं तो मम्मा खाना कैसे बनाएंगे, क्यों बाबू उतरोगी नहीं तो मम्मा
पे बनाएंगी। उतर जाओ बाबू, उतर जाओ। आज मैंने आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करी है, बस ऐसे ही हो रहा है आजकल। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी बहुत ही कम शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि सब लोग देख चुके हैं। मैं बार बार क्या वही आप लोगों तक शेयर करती रहूं। नहीं, आपको नहीं चलाना है कलछी। चलो किचन में गर्मी, आप जाओ। चलो से, हाँ डेढ़ बज गया, पूरा डेढ़ बज चुका है। और मैं पानी भर चुकी थी, तो अभी जस्ट मैंने मशीन लगाई है। ये देखो पानी चल भी रहा, तो कपड़े धुल जाएंगे। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, आज सुबह से तीज है, तो मौसम अच्छा होना ही चाहिए। क्योंकि लोग जो फास्ट रखते हैं या पूरे दिन अगर गर्मी होती ना, बहुत मुश्किल हो जाता है व्रत रखना। तो मौसम ठंडा है, अच्छा है। और देख सकते अभी बारिश होने लग गई थी, तो ऐनी छत पर चली गई थी नहाने के लिए, ये भी ले गए उसको। और एनी अभी टॉयस वाला आया था, कोई भी टॉयस वाला होता है तुरंत ही उसको चाहिए होता है, ऊपर से आवाज आ रही है, तो वही देखने लगी थी टॉयस वगैरह, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आए। हाँ, तो मैं आप लोगों को अपनी कुर्ती दिखाने वाली थी। ये कुर्ती है जो मैंने फर्स्ट टाइम पहनी हुई है, ये देखिए येलो लेगी ली है ऐसे करके, इसमें ये बटन से पीछे पूरा येलो है। ये मैंने फोल्ड करके बाजू रखी हुई है, वरना आधा आधा ऐसे पहना हुआ है। ये मैंने ली थी जब मैं वैष्णो देवी गई थी दिसंबर में, तो वही मैंने खरीदी थी। ये कब खरीदी थी, नवंबर में खरीदी थी, और तब वैष्णो देवी में एक बार पहनी थी। कहते थे नया कपड़ा पहना जाता दर्शन करने के टाइम, तब मैंने ये पहना था, और आज सेकंड टाइम मैंने पहना है इसको। तो बताना आप लोग ये कैसी लग रही है। तो मुझे आज थोड़ी अच्छी लगी है, तो मैंने कहा चलो आज तीज पे यही पहन लेते। मेरे को पता नहीं क्या चुभ रहा है, ये गले में पहन रखा है तो यही चुभ रहा है। और अभी फेस वॉश पता नहीं ऑटोमेटिक ग्लो सा कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ही लिपस्टिक लगाते लगाते बहुत अजीब सा फेस वॉश। मैंने पिंक वाला शेड लगाया था, हल्का कलर सा। तो आज मैंने क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से कर दी है अपने रूम की, और चारों तरफ से पता है सामान सेट हो जाता है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। सामान आराम से चारों तरफ सेट है, कोई भी कहीं भी बिखरा नहीं है, पूरी क्लीन हो गई है। और आज मैंने बैटरी इसकी चेंज कर दी है, मैंने यहाँ पे ये बिछा दिया ऐसे करके, और ये है ना, तो ऐसे मैंने आज इसलिए बिछा दिया। मैंने कहा गंदी हो गई थी काफी दिन से, तो नहीं चार दिन हो गए थे एक ही बेडशीट बिछे बिछे, तो बच्चे जिस पे लेटते हैं तो नहीं बार बार वही मैं वो कर सकती हूँ। तो मैंने आज धुलने के लिए डाला। चलो मैं ऊपर चलती दिखाती हूँ लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मौसम बहुत बेकार सा हो गया है, मतलब हल्की सी धूप आ गई, बारिश हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया। इसको देखो चट्टी पहलवान को कैसे घूम रही है, नहाने के लिए आई थी, यहाँ पे तुलसी तोड़े तोड़ मचाए पड़ी है, तोड़ रही है। ओए क्या है, क्या हो रहा है, ये ना पौधे देख रही सब तोड़ तोड़ मचाए ही है वहाँ पे पौधा, वो बेल ऊपर साइड में कर रहे हैं। और क्या, अब तो बेटो धूप निकल आई, आप कैसे हन्नू करोगी, अब तो आपको नीचे ही करना पड़ेगा ना। अरे मेरी नौटंकी क्या है, रोको देखते हैं। कपड़े फैलाने आए हैं, बादल हो गया, ये देखो। अरे क्या हो रहा है, मेरे साथ उतने टाइम आए थे तो फिर धूप हो गई थी, ऐनी अभी सोई है, हम लोगों ने बस अभी खाना खाया है, फिर से बादल हो गया, उन्होंने नहा लिया, मैंने
कब्बो वाली कुर्ती हटा दी, ये वाली डाली, मेरे को उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी हो रही थी। तो यार ऐसा क्या कहीं होता है, हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। इधर देखो एक फोटो खींच रही थी। तो बताओ कैसा मौसम हो रहा है, बढ़िया वाला मौसम हो रहा है घूमने वाला। पता है मैं उतनी देर से सोच रही थी कि छत पे ना इस जगह किसी बंदर ने या क्या बोलते बिल्ली ने पॉटी कर दी थी। मैंने कहा साफ होगी, लेकिन अभी ध्यान गया, मैंने कहा तेरे ये तो नीचे पड़ी है, उसको पानी डाल के बहाना पड़ेगा। चले नीचे, चलो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हा, हा, बढ़िया लग रहा है। हम लोगों का जो प्लान था वो फेल हो चुका है। वो प्लान हम लोगों का ये था कि बालकनी आज करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, प्लान फेल हो गया। ये नहा धो लिए हैं, अब सब कपड़े फिर से नीचे ले जाते हैं। बताओ ऊपर से भागी चलिए, लो बंद होगी बारिश, इतनी तेज बारिश आई थी, बंद होगी फिर से हो रही है। लो कैच करो। लोगों से कह रहे थे कि हमारा आज प्लान था कि आज बालकनी में देख रहे हो ना, बाहर से आप लोग देख रहा होगा थोड़ा सा सामान रखा है, उसको हटाना था, क्लीन करना था। मैं इसलिए बोल रही थी क्लीन करने के लिए, वहाँ पे मुझे कुछ पौधे वगैरह लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं, तो उस चक्कर में आज थोड़ा क्लीन करने का सोच रही थी। लेकिन आज फिर से प्लान फेल हो गया, जो सोचा वो हुआ नहीं, और बार बार मुझे ये सब करना पड़ रहा है, ऊपर नीचे दौड़ना पड़ रहा है। और कपड़े सारे मैंने यहाँ पे लाके सोफे पे ऐसे रख दिए हैं, अब अंदर ही कहीं डालेंगे क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा लगी पड़ी है। बढ़िया है, अच्छा है। और सब लोगों का नतीजा कैसे जा रहा है ज़रूर बताना, सब लोगों के ब्लॉग्स आएंगे 30 को लेके, मैं ज़रूर देखती हूँ। तो क्योंकि मुझे ये सेलिब्रेशन ये छोटे छोटे अच्छे लगते हैं सब लोगों के। तो आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है, और आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मेरा कोई वीडियो नहीं पहुँचा है, 3 बज चुका है और मैंने अभी तक वीडियो एडिट नहीं किया है, तो आई थिंक मेरा वीडियो आज थोड़ा लेट हो जाएगा। तो चलो मैं जल्दी से उसको एडिट कर लेती हूँ, पहुँचा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना। सो बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे आप लोगों से।